गया सिविल कोर्ट में कोर्ट परिसर में बैटरी चार्ज रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग का धुआं तेजी से कोर्ट परिसर में फैलने लगा। तत्काल अग्निशमन को सूचना दी गई। आग का धुआं देख आसपास के रहने वाले वकील लोग भागने लगे। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने की कर रही प्रयास। अग्निशमन के अधिकारी अरविंद कुमार एवं टाउन डीएसपी राजकुमार शाह मौके पर पहुंचकर कर रहे हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि गया सिविल कोर्ट में आग लगने की सूचना मिली और तुरंत हमने एक्शन लिया और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंचाया। मैं खुद देखरेख में पानी की जोरदार फुहार मरवाकर आग पर काबू पा लिया है। हालात नियंत्रण में है। आग लगने की मुख्य वजह पूरे कोर्ट परिसर की बैटरी चार्ज एक ही रूम में होती है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पूरे कोर्ट परिसर में धुआं फैलने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज गया।